Today I am going to tell you to how to make a line in a several set a line in a several lines. जैसे हमारा यहाँ पे address दिया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि नाम address और city सब अलग line में इस तरह से आ जाए. उसके लिए आपको जो आपने address लिखा उसको select कीजिए, control F करिए, यहाँ पर कॉमा क्योंकि हमने दे रखा है सेपरेट करने के लिए तो कॉमा करिए, फिर रिप्लेस करिए और कंट्रोल इसमें डाल के क्लिक करके कंट्रोल जे दबा दीजिए और रिप्लेस कर दीजिए. तो आपका टेक्स्ट जो है जैसे आपको हम दिखा रहे हैं उस तरह से अलाइन हो जाएगा. इस तरह से तीन लाइन में आपका एड्रेस सेट हो जाएगा. तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू वांट मोर कंडीशनल फॉर्मेटिंग देन सी मोर वीडियोस. एंड हियर आई एम टेकिंग थ्री टाइप ऑफ कंडीशन मोर. व्हेन यू गो टू द कंडीशन एंड सेट द रूल देन मैनेज रूल. हियर आई एम मेड थ्री रूल्स. One for duplicate and one for the specific character K and one for the unique character. तो unique character के लिए हमने yellow बनाया. Unique क्यों है? क्योंकि ये अलग है. Unique K भी है लेकिन K को specifically हम ढूंढ रहे हैं. तो तीन rule हमने बनाए हैं और उसके लिए हमने color को set किया है कि अगर duplicate हो तो blue कर दे और के हो तो रेड कर दे और यूनिक हो मतलब सिंगल बार आया हो तो वो येलो कर दे. तो अगर फर्स्ट टाइम ये वाली कंडीशन नहीं लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं तो अप्लाई करेंगे जब हम, तो ये आप देखिए कि यहाँ पर क्योंकि ये पहले से फॉर्मेट हो चुका है तो प्रॉब्लम कर रहा है. तो फिर से चलते हैं. स्टॉप इफ ट्रू है ना, तो इस कंडीशन को अगर हम डिलीट कर दें, अब देखिए अप्लाई करिए तो सारा येलो हो जाएगा. अब हम एक नई कंडीशन आपको बना के भी दिखा देते हैं. न्यू रूल, यहाँ पर करें यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन. यहाँ पर करें फॉर्मूला इज फॉर ट्रू के हो तो यहाँ पे फॉर्मेट में हम जाएं. फॉर्मेटिंग हम पहले भी जैसा कि आपको बता चुके हैं, न्यू फॉर्मेट सेट रूल में जाएं, यहाँ पर फिल करें और उसको रेड कर दें. तो जब के आएगा तो वो रेड हो जाएगा. तो इस तरह से हम कोई भी रूल बना सकते हैं. ये हमारा A4 है तो रेड पूरे में आ रहा है, ये गलत रूल बन गया है. तो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं क्या दे रहा है. नहीं देगा ना क्योंकि वो पूरे में सेट हो गया. तो फिर से करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल. यहाँ पर इसमें आइकॉन वाला लग गया, इसको डिलीट करना है. इस रूल को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पर एडिट रूल करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला ओनली सेल दैट कंटेन कर देते हैं. सेल वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पर क्या कर दें हम के कर दें और फॉर्मेट रेड है ही है. ओके कर दिया. अब अप्लाई करेंगे तो देखिए कि आपका रेड हो गया. तो इस तरह से आप डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से रूल को बना सकते हैं. सो दिस इज द अनदर रूल. इफ यू वांट मोर रूल्स देन आई विल टेल यू नेक्स्ट वीडियो. Thank you viewers, please subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link, join my
telegram channel tech written, go to community and comment on video.